नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है जोधपुर गांधीजाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों यह ट्रेन जानकारी 1 जनवरी की नई अपडेटेड समय सारणी के अनुसार है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 22483 जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार तथा शनिवार को जोधपुर जंक्शन से गांधीधाम के बीच चलती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके ट्रेवल टाइम की तो यह जोधपुर से गांधीधाम के बीच 560 किलोमीटर की यात्रा लगभग 8 घंटे 50 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 5 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन में लगने वाले कोच की तो इसमें ICF रेक श्रेणी के थर्ड AC स्लीपर क्लास तथा सेकंड सीटिंग के कोच लगते हैं। दोस्तों अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर लें। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इसमें जोधपुर से गांधीधाम के बीच अबू रोड लोको शेड का WDM-3A डीजल लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो जोधपुर जंक्शन से रात को 9:10 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है जालौर 11 बजे पहुंचती है तथा 3 मिनट के ठहराव के बाद 11:03 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है मारवाड़ बीनमाल 12:04 पर तथा 3 मिनट के ठहराव के बाद 12:07 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है भिलड़ी जंक्शन 1:45 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 1:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है राधनपुर 2:38 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 2:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है सामा ख्याली जंक्शन 4:39 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:41 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है गांधीधाम जंक्शन 6:00 तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।